बहुत से स्टूडेंट्स जब एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर, तो काफ़ी वक्त बाद भी उनको एडमिशन कंफर्मेशन की मेल रिसीव नहीं होती, और ऐसे सिचुएशन के अंदर स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान होते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको इसके बारे में रीजंस बताए जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो ये करनी है कि अपना जो ईमेल जो आपने एड्रेस दिया हुआ है उसके स्पैम या फिर जंक फोल्डर में आपने देखना है। हो सकता है मेल जो है आपको वहाँ पर रिसीव हुई हो स्पैम या जंक फोल्डर के अंदर, और अगर आपको वहाँ पे भी मेल रिसीव नहीं हुई है तो आपने थोड़ा और वेट करना है प्रोसेसिंग के लिए। यानी कि ऐसा भी होता है कभी कभी कि जब ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं एडमिशन के अंदर तो ऐसा भी होता है कि टाइम लगता है एडमिशन में, तो ये भी पॉसिबल होता है कि वीयू वालों के ऊपर बर्डन आ जाता है, ज़्यादा उनके पास एप्लीकेशंस आ जाती हैं एडमिशन की, तो ऐसे सिचुएशन में टाइम भी लगता है। और इसके अलावा ये भी होता है कि फीस आपने जो फ़ी पे की है वो ट्रांसफ़र ना हुई हो, बैंक से फ़ी पे की जाती है नॉर्मली वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर, तो ऐसा भी पॉसिबल होता है। ऐसा भी हो चुका है कि जो बैंक वाले हैं वो फ़ी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करते टाइम पे, ऐसा भी होता है। तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर चेक करिएगा, या तो मालूम करें व्यू से या फिर बैंक से कि फ़ीस जो है वो ट्रांसफ़र हो गई है या नहीं हुई है। और इसके अलावा अगर प्रॉब्लम सॉल्व ना हो पाए, ना मेल आए या फिर फ़ीस वगैरह का कुछ इशू कंफर्म ना हो पाए, तो ऐसे सिचुएशन में आप कॉन्टैक्ट करें जो डिपार्टमेंट है एडमिशन डिपार्टमेंट admissions@vu.edu.pk के ऊपर। तो ये थी आज की वीडियो, आपको अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में मज़ीद अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।